गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू बीइंग अवेयर। बीइंग अवेयर के इस वीडियो में आज हम राज्य व्यवस्था के ऊपर या भारतीय संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। उसमें भी हम प्रस्तावना के ऊपर चर्चा करेंगे खास तौर पर, ठीक है ना। आज का फॉर्मेट मैंने ऑब्जेक्टिव न रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं रखा है। मैं डायरेक्टली प्रस्तावना के और उसके विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। जो मुख्य शब्दावली है उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो जो है आपकी, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये वीडियो जो है आपके लिए समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। जो संविधान में जो विभिन्न प्रकार की जो टर्म्स हैं उनको समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है, तो इसे आप ज़रूर देखें और आखिरी तक देखें। तो इससे जो विभिन्न शब्दावली है, ठीक है ना, जो उसमें प्रस्तावना में दी गई है, उसको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी और रिविज़न करने का आपको बहुत ही अच्छा अवसर होगा ये। और ये विभिन्न परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, और ये बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच सकें और आप मेरे वीडियोस को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या कहा जाए, एक मतलब प्रस्तावना, सबसे पहली बात है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो देश प्रस्ताव जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है उस पर आधारित है, ठीक है ना। और क्या होगा प्रस्तावना, प्रस्तावना परिचय पत्र है, ठीक है ना। आप जैसे कोई एक बुक मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं, ठीक है, बुक मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं, उसके पहले पन्ने पे कवर पे पहला कवर पेज होता है, फिर दूसरा पन्ना आता है, फिर तीसरे पन्ने पे एक जो उसके लेखक होते हैं उन्होंने बुक के बारे में अपनी टिप्पणी की होती है। ये उसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि ये हमारे जो भारतीय संविधान जो बुक है उसका परिचय पत्र होगा कि हमारे देश के संविधान में जो अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं वो किस प्रकार से होगा, हमारा देश का स्वरूप किस प्रकार से होगा, ठीक है ना। तो अब चलिए इसे डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको ये पढ़ देता हूँ, फिर हम इसके विभिन्न बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम छह विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है ना। ये पूरा संविधान की एक रीडिंग लगाई। देखिए, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि भारतीय जो प्रदेश है उसमें जो शक्ति का स्रोत है वो भारत के लोग हैं, ठीक है ना। या संविधान की जो शक्ति का स्रोत है वो भारत के लोग हैं, कोई लोकसभा कोई राज्यसभा नहीं, ये भारत के लोग हैं, ठीक है ना, जो कि भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, ये प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है महत्वपूर्ण शब्दावलियों के तहत। देखो, संपूर्ण संप्रभुता का मतलब क्या होता है या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये सब प्रभु का मतलब होता है कि हमारी जो हमारा जो देश है वो किसी और देश पर निर्भर नहीं है, ठीक है ना, वो स्वतंत्र है, ठीक है, वो अपने निर्णय खुद ले सकता है। यदि कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है तो उसके निर्णय खुद लेगा, किसी प्रकार का युद्ध है किसी प्रकार का विवाद है वो खुद हम अपने स्तर पर निपटने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, वो हम किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं हैं, ठीक है ना। तो यही संप्रभु का मतलब होता है, ठीक है, इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है, हम हमारे मामलों का निवारण या निस्तारण हम खुद
कर लेंगे, ठीक है ना। ये संप्रभु का मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं, समाजवादी। देखो समाजवादी जो शब्द है ना, ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है ना। इसका एक ट्रिक है SSI, ठीक है ना, सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है ना। ये तीन, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता और इंटीग्रिटी, ठीक है ना। तो समाजवादी शब्द से क्या तात्पर्य, देखो समाजवादी शब्द से ये तात्पर्य है कि हमारा जो संसाधनों का जो देश में जो वितरण होगा, ठीक है ना, उसका पूर्ण नियंत्रण सरकार अपने हाथों में रखेगी, ठीक है ना। हालांकि जब ये संविधान संशोधन नहीं हुआ था, उसके पहले भी हमारे संविधान में समाजवादी लक्षण मौजूद थे, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में मौजूद थे, ठीक है ना। बस ये बात हमारे प्रस्तावना में नहीं लिखी गई थी, और ये बात प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में डाल दी गई, ठीक है ना। हालांकि हमारा देश में समाजवादी प्रावधान उसके पूर्व से भी स्थित था, जो कि हमारे संविधान में अंतर्निहित था, ठीक है ना। और देखो समाजवाद दो प्रकार का होगा, ठीक है। एक समाजवाद, एक लोकतांत्रिक समाजवाद होगा और एक साम्यवादी समाजवाद होगा, ठीक है ना। साम्यवादी समाजवाद जो कि रूस में, ठीक है ना, और लोकतांत्रिक समाजवाद जो कि भारत में, ठीक है ना। लोकतांत्रिक समाजवाद जो है उसमें यदि आर्थिक तौर पर देखें तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला है, ठीक है ना। इसमें समाजवाद को और पूंजीवाद को, दोनों को महत्व दिया जाता है, ठीक है ना। पूंजीवाद को भी और समाजवाद को भी, ठीक है। मतलब जो मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, और बाकी यदि कोई निजी क्षेत्र से कोई कुछ कार्य करना चाहता तो उसे रोका भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसका सिंपल सा यही मतलब है, जिसमें जो संसाधनों का निर्माण और उत्पादन होगा वो सरकार द्वारा भी किया जाएगा और निजी क्षेत्र द्वारा भी किया जाएगा, ठीक है ना। तो यही समाजवाद का अर्थ हुआ है, ठीक है। और साम्यवादी जो है, साम्यवादी शब्द, इसमें पूर्ण नियंत्रण जो है सरकार अपने हाथ में ले लेती है, निजी क्षेत्र के ऊपर किसी प्रकार का नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसे हमने देखा अभी। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं, अगला क्या है। अगला है धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ठीक है। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। पर ये हमें अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। धर्म निरपेक्ष ठीक है हमारे लिए। इसको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है ना। ये उससे पहले हमारे नहीं था संविधान में। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये हुआ कि हमारा जो भारतीय संविधान है, ठीक है, इसका कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना। न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, ठीक है, न बौद्ध, न जैन, कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है ना। ये सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देगा, ठीक है ना। सभी धर्मों को एक समान माना जाएगा, इसका कोई भी धर्म नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि धर्मों की अवहेलना करेगा, नहीं, ठीक है ना। अनुच्छेद 25 से 28 में सब प्रावधान किए गए हैं, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के मध्य में आपको ये दिया गया है, जिसमें सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार और सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये है कि सभी धर्मों को समान रूप से माना जाएगा, ठीक है ना। कोई भी धर्म किसी भी धर्म से ऊंचा या फिर किसी भी को भी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। यदि कोई सुविधा एक धर्म को दी जा रही है तो वो सुविधा सभी धर्मों को बराबर रूप से बांटी जाएगी, अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है ना। तो ये हुआ है धर्मनिरपेक्ष। अब चलते हैं आगे, लोकतांत्रिक, ठीक है ना। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? देखो लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कह सकते हैं, इसको राजतंत्र भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लोकतंत्र है इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। लोकतंत्र मतलब होता है लोगों के तंत्र या लोगों का राज, ठीक है ना, जिसमें जो सरकार का चुनाव होता है, इसमें जो सरकार का चुनाव होता है वो लोगों द्वारा किया जाता है,
ठीक है ना। सरकार का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ये तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो सरकार का चुनाव होता है वो हम स्वयं करते हैं, ठीक है। ये दो तरीके का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष वाला है, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष वाला है हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम जो है सरकार को चुनते हैं, और वो जो सरकार होती है वो लोकसभा, वो जो सरकार होती है वो लोगों के प्रति जिम्मेदार होती है, ठीक है ना, लोकतंत्र में, ठीक है। तो ये जो लोकतंत्र होता है, ठीक है, इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसको संसदीय नियंत्रण और फिर राष्ट्रपति नियंत्रण, ठीक है ना, ये भी दो टाइप से होता है। सिंपली लोकतंत्र का मतलब आप लोगों का राज समझो, और लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि जो सरकार का चुनाव होता है वो लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है गणतंत्र। देखो गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक इंग्लिश में, ठीक है ना। ये जो गणतंत्र होता है इसका अपोजिट होता है राजशाही, ठीक है ना। राजशाही तो मतलब इसमें राजा का शासन होता है और इसमें लोगों द्वारा चुने गए राजा का शासन होता है, ठीक है ना, सिंपल, सिमिलर टू लोकतंत्र, ठीक है ना। जो राजा होता है वो वंशानुगत होता है राजशाही में, ठीक है ना, उसमें लोगों का कोई रोल नहीं होता है। राजा का लड़का राजा बनेगा, राजा के लड़के का लड़का फिर राजा बनेगा, ठीक है। जबकि गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है, गणतंत्र में ऐसा होता है कि राजा का जो राष्ट्र का जो प्रमुख है वो राजा जो है वो निर्वाचित होगा, ठीक है ना। तो यही गणतंत्र का मतलब होता है कि राज प्रमुख जो होता है वो जनता द्वारा चुना हुआ होता है, ठीक है ना। हमारा राष्ट्र प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना हुआ होता है, हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ होता है, क्योंकि हम जो चुन के लोगों को भेजते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है ना। पर हमारा जो राजा होता है वो चुना हुआ होता है, ठीक है ना, इसलिए हम गणतांत्रिक भी हैं, या गणतंत्र हमारे यहाँ पर है, या हम रिपब्लिक कंट्री हैं, ठीक है ना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, और चैनल तो सब्सक्राइब करना भूलें ही ना, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब, न्याय। न्याय क्या होता है, न्याय के बारे में हमें सभी पता है, इसको इंग्लिश में जस्टिस कहते हैं, ठीक है ना। तो न्याय में हमारे यहाँ पर तीन बातें बोली गई है, एक सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक के बाद एक आर्थिक न्याय है, आर्थिक न्याय के बाद अगला आता है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ठीक है। सामाजिक न्याय आप क्या समझेंगे, सामाजिक न्याय मतलब हम समाज में किसी के साथ भी जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है ना। संविधान द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ, पिछड़ा वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, उनके साथ किसी भी आधार पे, रंग, फिर धर्म, जाति, लिंग, किसी भी आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसके साथ न्याय करेंगे, ठीक है ना। ये सामाजिक न्याय हुआ। आर्थिक न्याय किसे कहेंगे, किसी व्यक्ति को जिसके पास संपत्ति नहीं है, ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं है, संपदा नहीं है, ठीक है ना, हम उसके साथ भी अन्याय नहीं करेंगे, ठीक है ना। मतलब जैसे कि ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों को न्याय मिलेगा, गरीबों को नहीं मिलेगा, नहीं, सबको मिलेगा, आर्थिक रूप से न्याय सबको मिलेगा, वो आर्थिक रूप से जो भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और राजनीतिक न्याय का अर्थ भी यही हुआ कि सभी को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, और सभी को समान रूप से राजनीतिक रूप से जो है अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, किसी को भी राजनीतिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, उसे हम राजनीतिक न्याय कहेंगे, ठीक है ना। तो न्याय से संबंधित हमारे यहाँ पर तीन शब्दावलियाँ हैं जो हमने देखी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, या नेक्स्ट उस पर चलते हैं शब्द पे, क्या है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता
मतलब कि फ्रीडम, आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर लें, आपको कोई रुकेगा नहीं। अनुच्छेद 19 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। और स्वतंत्रता का जब प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 19 में, तो अनुच्छेद 19 में युक्तियुक्त निर्बंधन भी दिए गए हैं, ठीक है ना, युक्तियुक्त निर्बंधन, ठीक है ना। मतलब यह आपके ऊपर, आप ये काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, इनके आधार पर आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो मतलब आपका एक, मतलब आप स्वतंत्र हैं पर इस गोले के अंदर, है ना, मतलब आपका दायरा सीमित है, आप सीमित काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता का अर्थ ये ना निकाला जाए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, आपका भी एक दायरा सीमित है, फिक्स्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आती है बात समता की। समता अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है ना। समाज, इसमें समता का अर्थ होता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं है, ठीक है ना। या अमीर हो या गरीब हो, किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी जाति का हो, किसी के भी पास जो है विशेष अधिकार नहीं होगा, ठीक है ना। सब समान रूप से इक्वल होंगे देश में, ठीक है ना। और ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक ये बात बोली गई है, ठीक है ना। विधि के समक्ष समता 14 में बोला गया है, 15 में बोला है कि धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मतलब आदि के आधार पर भी जो है हम समान हैं। लोक नियोजन, मतलब जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं उनमें जो अवसर होंगे उसमें भी हम सब समान होंगे। अस्पृश्यता के आधार पर मतलब नहीं होगा कोई भी भेदभाव, मतलब हम कोई भी व्यक्ति हो, छुआछूत हो या नहीं हो, ठीक है ना, सब समान होंगे। और उपाधियों का अंत, यदि आपके, मतलब 18 अनुच्छेद में, यदि आपके नाम के आगे कोई उपाधि लगी हुई है या आप लगा लेते हैं, जैसे कि बहादुर वगैरह जो पहले के ज़माने में लगती थी, ठीक है ना, तो आप हो तो आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, आप उसमें भी एक समान रूप से होंगे, ठीक है ना। तो ये समता होता है कि सभी लोग समान हैं, किसी को भी कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जो राइट्स मेरे को हैं वो आपको भी हैं और सभी को वही हैं, ठीक है ना, पूरे देश को वही होंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला आता है बंधुत्व, ठीक है ना। देखो बंधुत्व जो आता है ना वो भाईचारे की भावना से संबंधित है, ठीक है ना। तो हमारा जो भाई, मतलब हमारा जो संविधान है, ठीक है ना, उसमें देखो हमारा जो देश है वो कितने राज्य हैं, उसमें 29 राज्य हैं, ठीक है ना। 29 राज्यों में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है ना। एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसका मतलब कि मैं मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र जा सकता हूँ, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ सकता हूँ, मेरे को कोई रुकेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि एकल नागरिकता है, ठीक है ना। कोई अलग से नागरिकता लेने की मुझे ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये जो है भाईचारे को प्रमोट करता है, ठीक है ना, कि हिंदी भाषी और मराठी भाषी दोनों भाई भाई, ठीक है ना, यूपी बिहार भाई भाई, यूपी महाराष्ट्र भाई भाई, बिहार महाराष्ट्र भाई भाई, बिहार केरल भाई भाई, ठीक है ना। तो ये भ्रातृत्व की भावना को प्रमोट करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो दूसरी बात आती है वो ये कि इसमें दो चीज़ें निहित हैं, ठीक है ना। पहला, व्यक्ति विशेष का सम्मान, ठीक, व्यक्ति विशेष का सम्मान, ठीक है ना। और दूसरी आती है राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है ना। और ये जो अखंडता है ये फिर से इंटीग्रिटी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ी गई थी, ठीक है ना। तो ये होता है बंधुत्व का अर्थ, ठीक है ना, भाईचारा। तो हमारे देश, मतलब जो कि प्रस्तावना में बंधुत्व दिया गया है, मतलब ये प्रावधान कहीं ना कहीं हमारे संविधान में इंक्लूडेड होगा, तो वो इंक्लूडेड इसी रूप में है कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। मतलब कोई स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको नागरिकता अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये भ्रातृत्व की भावना को प्रमोट करता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट तो अब शब्दावली ख़त्म हो गई है, प्रस्तावना में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। संविधान में जो
प्रस्तावना है, ठीक है ना, इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है ना, संविधान की कुंजी, ठीक है। और इसको प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, ये यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद में ये निर्णय दिया गया था, ठीक है। भेरूवाड़ी जो यूनियन वाद है, इसमें संविधान, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि देश में जहाँ पर संविधान में जहाँ पर जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसमें जो हमारा प्रस्तावना है वो हमारी मदद करता है, कि हमारा देश का जो स्वरूप है वो उसे डिसाइड करने में मदद करता है कि किस प्रकार से हमारा देश होगा, तो जो प्रावधान होते हैं उसे भी हम उसी प्रकार से डालने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो इस आधार पर ये जो मदद करता है निर्वचन में, ठीक है ना। और बेरुबाड़ी जो बेरुबाड़ी यूनियन जो वाद है 1960 में हुआ था, उसमें संविधान का अंग नहीं माना था इसको, ठीक है ना। परंतु बाद में 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में वाद में कहा कि संविधान जो है प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है ना। तो क्या इसमें, यदि ये संविधान का अंग है तो क्या इसमें स्टेट संशोधन कर सकता है? हाँ, संशोधन कर सकता है, परंतु नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकता, ठीक है ना। मतलब संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचे का विस्तार और मजबूतीकरण होता है, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, मतलब ये सभी था प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड किसी प्रकार के सजेशंस हो, ये मेरा एक नया प्रयास था जिसमें मैंने प्रस्तावना को डायरेक्टली लिया, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में नहीं लिया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसा लगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक इट, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।